तो हेलो दोस्तों, मेरे इस नए वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अलाव, आपका टेक्निकल फ्रेंड। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप एज अ रैपिडो कैप्टन ज्वाइन कर चुके हैं और आपको नहीं पता है कि फूड डिलीवरी में कैसे करूं, या तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में उठते होंगे जैसे कि मैं फूड डिलीवरी कैसे करूँ, फूड डिलीवरी करने पर ऑर्डर मुझे कितना पैसा मिलता है, फूड डिलीवरी करता हूँ तो मुझे क्या अपने पास रखना चाहिए ताकि मैं फूड डिलीवर अच्छे से कर सकूँ। चौथा, अगर मुझे फूड डिलीवरी ऑर्डर नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँ। तो ये सब चीज़ों के क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा दोस्तों। तो आप ये वीडियो आप अंत तक देखिए, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है, आप फूड डिलीवरी कैसे कर सकते हैं। अगर आप नए हैं और रैपिडो कैप्टन ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक कीजिए और वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। तो आज मैं आपको एक लाइव डेमो दिखाऊंगा, उस लाइव डेमो में आपको बताऊंगा कि फूड डिलीवरी का ऑर्डर कैसे एक्सेप्ट करना है, ठीक है, और उसमें कितने पैसे लगते हैं और पर ऑर्डर कितना पैसा मिलता है, इंसेंटिव कितना मिलता है, वो सब चीज़ मैं इसमें कवर करूंगा। तो दोस्तों बिना टाइम गवाए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो अब मैं अपना ये ऑन स्क्रीन कैमरा अभी मैं ऑफ कर रहा हूँ और चलते हैं हम हमारे मोबाइल स्क्रीन पे। तो दोस्तों अब हम हमारी मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं और जैसे कि आप देख पा रहे हो रैपिडो कैप्टन एप्लीकेशन, तो सिंपली हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। दोस्तों फूड डिलीवरी के ऑर्डर कैसे एक्सेप्ट करने हैं, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि उसका पर ऑर्डर हमको कितना पैसा मिलता है और प्लस उसका क्या इंसेंटिव होता है और आपको क्या रखना चाहिए जब आप फूड डिलीवरी करते हो। तो चलिए पहले देखते हैं कितना पैसा मिलता है। वो पैसा कितना मिलता है पर ऑर्डर, वो देखने के लिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर पे आपको 3 बार वाला बटन दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हम देखेंगे आप दूसरा ऑप्शन अर्निंग एंड रिडीम, उसमें हम जाएंगे। उस पर क्लिक करते ही आज हम यहाँ पे देखेंगे, टुडे में जाके देखेंगे और यहाँ पे आपको जैसे कि देख पा रहे हो रेड कार्ड, यहाँ पे सिंपली हम क्लिक करेंगे रेड कार्ड पे। तो यहाँ पे बहुत सारा दिया गया है दोस्तों पेमेंट के बारे में कि क्या क्या पेमेंट मिलता है, किस चीज़ पे कितना पेमेंट मिलता है। तो ये लास्ट में आपको दिख रहा है जोमैटो, ये बेसिकली फूड ऑर्डर जोमैटो और स्विगी के ही रहते हैं जो रैपिडो डिलीवर करवाता है अपने कैप्टन से। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि फर्स्ट ऑर्डर पे आउट कितना है, 40 रुपये है, ठीक है। तो वो आपको विद इन अ 5 किलोमीटर्स के अंदर आपका ऑर्डर आएगा, विद इन अ 5 किलोमीटर्स आपको फूड डिलीवरी ऑर्डर करना है। अगर इन केस उससे ज़्यादा भी हो गया तो रैपिडो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेगा आपको ऑर्डर का। जी हाँ दोस्तों, उससे 5 किलोमीटर से ज़्यादा होता है तो एक्स्ट्रा पैसा भी देता है रैपिडो। तो यहाँ पे दोस्तों दिखा रहे हैं कि पहला जो ऑर्डर रहता है ना उसका 40 रुपये रहते हैं, ठीक है। उसके बाद का जो नेक्स्ट ऑर्डर रहता है ना वो 35 रुपीज़ रहता है ऑर्डर का। तो ये तो हो गया दोस्तों फूड डिलीवरी के ऑर्डर की ऑर्डर का पैसे की बात। अब इसमें हमको इंसेंटिव कितना मिलता है वो चेक करना है, तो हम कहाँ जाएंगे, ठीक है। इंसेंटिव चेक करने के लिए हम बैक करेंगे इसको, बैक करने के बाद वापस वहीं पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे बार पे, ठीक है। और ये तीसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे इंसेंटिव पे क्लिक करेंगे, इंसेंटिव पे क्लिक करते ही आपको दिख जाएगा डेली का इंसेंटिव। तो मुझे यहाँ पे देखना है कि फूड का मुझे इंसेंटिव कहाँ पे मिलेगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। स्क्रॉल करेंगे हम नीचे, ये कुछ नया आ गया दोस्तों, देखिए पेट्रोल इंसेंटिव भी दे रहा है अभी रैपिडो। तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा, वो उसमें भी बताऊंगा आपको क्या है। हाँ ये आ गया दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे क्या है, डिलीवरी जोमैटो मतलब फूड का डिलीवरी का इंसेंटिव यहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जैसे कि फर्स्ट राइड पे मुझे 12 रुपीज़ मिल रहा है, सेकेंड राइड पे 12 रुपीज़, थर्ड राइड पे 12 रुपीज़, 5 राइड्स करने पे बाद में 24 रुपये मुझे मिलेंगे इंसेंटिव। जी हाँ, जो मुझे जो ऑर्डर का जो अमाउंट मिल रहा है 35 to 40 रुपीज़, उसके बाद मुझे प्लस ये 24 रुपीज़, 12 रुपीज़ ऐसे इंसेंटिव भी मिलेगा। 7 राइड करते हो आप, 7 फूड डिलीवरी ऑर्डर करते हो कंप्लीट तो 30 रुपीज़, 10 आप फूड डिलीवरी ऑर्डर कंप्लीट करते हो तो 50 इंसेंटिव मिलेगा।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फूड डिलीवरी का पैसा कितना मिलता है प्लस इंसेंटिव हमको कितना मिलता है। और दोस्तों, जब आप फूड डिलीवरी करते हो ना, तभी आप अपने पास एक बैग रखिए, ठीक है, बैग रखिए, बैग के अंदर फूड, जो फूड आपको मिलता है वो बैग के अंदर रख के ही आप डिलीवर करेंगे। दूसरी चीज, आपको देखना होगा कि फूड कहीं से स्पिल ना हो, कहीं से गिर वीर ना जाए। अगर ऐसा कंडीशन होता है ना दोस्तों, अगर आप कस्टमर के पास ऐसे कंडीशन में फूड लेके जाओगे तो वो आपकी शिकायत कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है, और रैपिडो कंपनी आपको 500 रुपीज़ पेनाल्टी भी पे कर आपको पे करना पड़ेगा। तो आप केयरफुल रहिए जब आप फूड डिलीवरी ऑर्डर करते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों पैसों की बात और आपके पास क्या रखना चाहिए और नहीं रखना चाहिए, ठीक है। अब मुझे फूड डिलीवरी का ऑर्डर नहीं करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? फूड डिलीवरी का ऑर्डर नहीं करना है दोस्तों तो आप बैक कर लीजिए, वापस यहाँ पे आइए। यहाँ पे आके आपको देखना है सर्विस मैनेजर, ये पांचवा ऑप्शन है आपका। सर्विस मैनेजर में जाइए तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब इस सर्विस मैनेजर में आपको पहले दिख रहा है बाइक टैक्सी, उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है फूड डिलीवरी। इसको सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको देखो टाइम दिया गया है कि आपको फूड डिलीवरी कितने टाइम तक ऑर्डर बंद करना है आपको, मतलब वो उतने टाइम पे ऑर्डर नहीं आएंगे। 30 मिनट है, 2 घंटे है, 4 घंटे हैं, और या तो हमेशा के लिए। तो आपको चूज़ करना है आपको कौन सा टाइमिंग देना है। मैं यहाँ पे सिंपली टाइमिंग दूंगा, चलो 2 घंटे तक मुझे फूड ऑर्डर ही नहीं चाहिए मेरी एप्लीकेशन में, ठीक है। तो इसका रीज़न देना होगा, आप रीज़न कुछ भी दे सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ऑर्डर है या तो नो बैग है करके। और सिंपली आपको ये येलो कलर का बटन दिख रहा है, सबमिट कर देना है। ये सबमिट करने के बाद दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं, फूड ऑर्डर स्विच हो गया है। नीचे देखिए आपका ये टॉगल ऑफ हो गया है। तो अब क्या होगा, आपको एक भी फूड रिलेटेड ऑर्डर नहीं आएगा जब आप एप्लीकेशन चलाओगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फूड डिलीवरी का ऑप्शन कैसे ऑन और ऑफ करें, ठीक है। अब चौथी बात हम देखते हैं, लाइव डेमो देखते हैं कि हम कैसे फूड ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों आपको ऑनलाइन लाइव जाना पड़ेगा। आपको लाइव जाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑफ ड्यूटी का ऑप्शन दिख रहा है आपको, वहाँ पे सिंपली मैं क्लिक करूँगा। ये ऑन करने से पहले मैं आपको बता दूँ, हमने फूड डिलीवरी का ऑप्शन अभी बंद किया है दोस्तों, तो उसको वापस मैं ऑन कर लेता हूँ। कहाँ है, सर्विस मैनेजर में जाएंगे, यहाँ पे फूड ऑर्डर हम वापस ऑन कर लेंगे ताकि मुझे ऑर्डर मिले और मैं आपको बता सकूँ लाइव, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लाइव जाना है। तो यहाँ पे सिंपली ऑफ ड्यूटी दिख रहा है आपको, वहाँ पे सिंपली हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, आपको फिल करना है सभी, फिल कर दिया, सबमिट कर दिया, ठीक है। तो अभी हम वेट करेंगे फूड ऑर्डर का, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं अगर मुझे फूड ऑर्डर आता है या नहीं आता है तो कैसा रहेगा। अगर फूड ऑर्डर आता है तो मैं आपको बता सकूँगा इसमें डेमो कि आपका फूड ऑर्डर कैसे आता है और आपको कैसे एक्सेप्ट करना है, ठीक है। ये तो आ गया मेरा राइड, एक राइड आ गया है मुझे, तो मुझे वो नहीं चाहिए तो मैं इसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा दोस्तों, और मैं स्किप भी नहीं करूँगा दोस्तों। स्किप भी मत करना, स्किप करने से आपको पेनल्टी लग सकती है कंपनी द्वारा। तो आप स्किप मत कीजिए, आप इसको ऐसे ही जाने दीजिए। जो टाइमर है, टाइमर दिख रहा है आपको, तो उसको ऐसे ही आप जाने दीजिए, ठीक है। हाँ जी, देखिए दोस्तों मुझे फूड ऑर्डर मिल चुका है। तो आपको ऐसे कुछ फूड ऑर्डर के लिए आपको ऑर्डर आएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं डिलीवरी लिखा हुआ है ऊपर, नीचे इसका ऑनलाइन पेमेंट 58 रुपीज़ मुझे मिलेगा, क्योंकि इसका एक्स्ट्रा ये देख पा रहे हैं आप पिकअप कहाँ पे करना है। पिकअप है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर मुझे पिकअप पे जाना है, और ये नीचे दिख रहा है ड्रॉप आपको 8 किलोमीटर का, तो उसका मुझे 58 रुपीज़ मिल रहा है दोस्तों। और आपको तो दोस्तों जैसे आपको ऑर्डर आया था फूड डिलीवरी का, उसको सिंपली आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको वहाँ पे एक येलो कलर का गो टू पिकअप लोकेशन का एक बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है, वहाँ पे नेविगेट करना है। नेविगेट करके वहाँ पे रेस्टोरेंट पे जाना है। रेस्टोरेंट पे आपको क्या करना है, एक फूड का एक आईडी रहेगा दोस्तों। वो आईडी क्या होता है, पिछले 4 डिजिट रहते हैं आईडी के। तो जाके रेस्टोरेंट जाके वहाँ पे आईडी सिर्फ बोलना है आपको, लास्ट 4 डिजिट बोलना है।
तो वो आप जब बोलोगे रेस्टोरेंट में, तभी आपका अगर फूड रेडी हो गया होगा तो आपको फूड फूड पार्सल दे दिया जाएगा। फिर वहाँ से लेके आपको उसका फ़ोटो फूड का फूड पार्सल का फ़ोटो लेना है, फ़ोटो लेके आपको सबमिट करना है, सबमिट करके आपको राइड स्टार्ट करनी है और कस्टमर के लोकेशन पे पहुँचना है। दोस्तों ये है, मैं पूरा लाइव नहीं दिखाऊंगा क्योंकि लाइव दिखाने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा और वो पॉसिबल नहीं है। तो आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि फूड ऑर्डर कैसे मिलता है और कितना पैसा होता है और आपके पास क्या क्या रखना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले नॉलेजफुल वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहे, स्वस्थ रहे। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दीजिएगा और कोई क्वेरी हो आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।